गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास टेंथ हिंदी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम चलते हैं क्लास टेंथ की हिंदी की व्यवहारिक व्याकरण पर। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। क्लास हिंदी के व्याकरण भाग में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग क्लास टेंथ की व्याकरण खंड में शब्द और पद तथा पदबंध पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद पिछले दिनों हमने पद पर चर्चा की, पद के प्रकारों पर चर्चा किए गए। उसके बाद हम सभी लोग पद के प्रकारों में विशेषण आदि पर चर्चा कर रहे थे, जहां विशेषण में सार्वनामिक विशेषण पे चर्चा चल रही थी, तो विशेषण के सभी प्रकारों पर चर्चा हो गई थी। आइए हम चलते हैं पद के प्रकारों के चौथे प्रकार में, जिसका नाम है क्रिया पद। क्या नाम है? क्रिया पद। आइए हम क्रिया पद पर चर्चा करते हैं। हिंदी क्लास टेंथ में क्रिया, क्रिया के अर्थ एवं क्रिया के प्रकार तथा क्रिया के विशेषताओं पर, उदाहरणों पर चर्चा करें। तो आइए क्रिया की परिभाषा चर्चा करते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे आइए हम कुछ उदाहरणों पर भी चर्चा कर लें। जैसे राम फल खाता है, सीता गीत गाती है। जैसे राम फल खाता है, सीता गीत गाती है। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे शब्द खाना, गाना, ये दोनों ही शब्द कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। इस प्रकार ये शब्द क्रिया पद कहलाते हैं। आइए क्रिया के भेद या प्रकारों पर हम चर्चा करें। तो हम जानते हैं कि कोई भी कार्य पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। तो कोई भी कार्य का करना भी कहीं कर्ता के साथ होता है, कहीं कर्ता के बिना होता है। तो जहां पर कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह क्रिया
सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ पर कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है वहाँ पर हम अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के प्रकार। पद के प्रकार हो गए, पद के प्रकार में चौथे प्रकार क्रिया पर चर्चा कर रही थी। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्रिया के प्रकार पे। क्रिया के प्रकार, क्रिया के कुल दो प्रकार हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म दिखाई दे, दिखाई दे। अकर्मक क्रिया क्या है? तो दूसरा है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म दिखाई न दे। इस प्रकार हम जानते हैं क्रिया के दो प्रकार हो गए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आइए हम चलते हैं क्रिया के प्रकारों में। सकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया की ओर। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है? पहला है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो आइए हम सकर्मक क्रिया की चर्चा करते हैं। जिस क्रिया के साथ जिस क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो वहां सकर्मक क्रिया वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण, जैसे राम केले को खाता है, हरी फल खाता है, हरी फल खाता है। देखिए इसमें भी कर्ता और कर्ता दिखाई दे रहा है। जहां पर जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये
कर्म है। ठीक, खाना क्रिया है तो खाता क्या है, केले को, खाता क्या है तो फल को। तो कर्म जो है वह स्पष्ट है, कर्ता दिखाई दे रहा है और क्रिया संपादित हो रहा है, अर्थात जहां पर क्रिया के साथ कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे, अर्थात जहां पर क्रिया के साथ कर्म पूर्ण रूप से कार्य करता हुआ लक्षित हो दिखाई दे, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। आइए चलते हैं हम अकर्मक क्रिया की ओर। दूसरा है अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया, जैसा कि मैंने बताया जहां पर क्रिया हो कर्म दिखाई दे वहां पे सकर्मक, जहां पे कर्म न दिखाई दे वहां पे अकर्मक, अकर्मक क्रिया। आइए इसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा है, अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में कर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म की प्राप्ति नहीं होती है और कर्ता पर कर्म का फल और कर्म का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। आइए कुछ उदाहरणों को हम लेते हैं, जैसे उदाहरण है शीला क्या करती है, उदाहरण है शीला हंसती है, शीला हंसती है, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। परिभाषा क्या है, अकर्मक क्रिया में कर्म की प्राप्ति नहीं होती और कर्म का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, यदि कर्म इसमें है नहीं, क्रिया हो रही है दौड़ रहा है, ठीक है, मैं पीछे पीछे, कौन दौड़ रहा है, मैं पीछे पीछे, ये करता ही है, तो किसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ये स्पष्ट नहीं है, कर्म का अभाव है और शीला हस्ती है में कर्म का अभाव है, शीला क्यों हस्ती है ये यहां पर नहीं है, तो कर्म का अभाव होने पर या कर्म दिखाई देने पर अकर्मक क्रिया होती है। सीधे कह सकते हैं कि जहां पर कर्म हमें स्पष्ट रूप से दिखाई न दे वहां पर अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे वहां पर सकर्मक क्रिया। आइए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण पर भी चर्चा कर लेते हैं जिससे बातें स्पष्ट हो जाए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आइए चलते हैं पहले
सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उदाहरण में आ जाइए, उदाहरण जैसे पहला क्या है सकर्मक क्रिया का उदाहरण, जैसे मैं दूध है, रोटी खाता हूँ। देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दूध रोटी दिख रहा है, खाना क्रिया कर्म दिख रहा है। दूसरे अकर्मक में अगर हम देख लें, मैं खाता हूँ, ठीक है वह खाता है लेकिन क्या खाता है, क्या का अभाव हो गया, यहाँ पे कर्म की प्रतीति नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गया। आइए चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर, सकर्मक क्रिया का और अकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं, वह दीपक जलाता है, वह पुस्तक पढ़ता है और वह दीपक जलाता है। दूसरे अकर्मक में वह जलाता है, वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है और वह क्या जलाता है, कर्म का अभाव है इसमें। कर्म का अभाव इसमें पुस्तक और दीपक दिखाई दे रहा है, कर्म का अभाव नहीं है अर्थात कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वह दीपक जलाता है। आइए कुछ और उदाहरणों की चर्चा करें, इसके बाद फिर हम सकर्मक और अकर्मक के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा। वह पुस्तक लेकर लेकर आज नहीं आएगा। इसमें देखिए अकर्मक क्रिया वह आज नहीं आएगा, इसमें कोई आने का कारण स्पष्ट नहीं है, नहीं आने का, वह पुस्तक लेकर आज नहीं आएगा। यहाँ पे कर्म पुस्तक दिखाई देता है तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्या हो गया सकर्मक क्रिया। इस प्रकार पद के हम कई प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं, पद के चार प्रकारों पर चर्चा हुई। पहला प्रकार संज्ञा पद, संज्ञा पद के कुल पांच प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
उसके बाद संज्ञा के पद के दूसरे प्रकार सर्वनाम। सर्वनाम के सभी भेदों पे हमने चर्चा किया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पद के तीसरे प्रकार पे हम चर्चा करते हैं विशेषण, विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण, तो विशेषण के भी हमने सभी प्रकारों पे चर्चा की, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में उसके कई प्रकार, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। आज हम सभी लोगों ने क्लास 10 के इस अध्ययन में हिंदी पाठ्यपुस्तक के व्यवहारिक व्याकरण में पद के चौथे प्रकार जिसका नाम था क्रिया, क्रिया पे हमने चर्चा किया। क्रिया, क्रिया के अर्थ, क्रिया के प्रकार, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार में दो प्रकार, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स माने साथ में, कर्म माने कर्म, जहाँ पर साथ में कर्म लगा है वह सकर्मक क्रिया, जहाँ पर साथ में कर्म नहीं लगा है वह अकर्मक क्रिया। कहने का तात्पर्य है जिस वाक्य में किसी कर्म का होना या होने की संभावना दिखाई दे, अर्थात कर्म पूर्ण रूप से होता हुआ दिखाई दे, वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। जहाँ पर कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई न दे वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया जैसे वह गीत गाता है, अकर्मक क्रिया जैसे वह गाता है, क्या गाता है इसका पता नहीं है। तो कर्म के अभाव होने पर क्रिया की पूर्ति तब भी होती है किंतु यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहाँ पर कर्म के होना प्रदर्शित हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम सभी लोग फिर पद के पांचवें प्रकार अव्यय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।